काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पॉइंट नंबर वन, फॉर्मूला नंबर वन कि मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला, हमने तीन फॉर्मूले किए थे उनमें से ये फॉर्मूला है, पॉइंट नंबर वन है। पॉइंट नंबर टू, जो किसी भी गैस के लिए आरएमएस स्पीड बड़ी होती है एवरेज से और मोस्ट प्रोबेबली सबसे छोटी होती है, ये भी किया था। फिर केस नंबर थ्री ये किया था कि किसी भी मोनोटॉमिक गैस के लिए पर मॉलिक्यूल, इंपॉर्टेंट है, पर मॉलिक्यूल एनर्जी 3/2 kT। ऐसा क्यों? हमने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी किया था जिसमें करवाया था कि अगर एक मॉलिक्यूल है आपके पास, एक मॉलिक्यूल की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी होती है और मोनोटॉमिक गैस की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? तीन। तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी होती है, तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी, और डायटॉमिक में एफ क्या हो जाएगा? पांच। तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी 5/2 kT हो जाएगी। तो मोनोटॉमिक गैस की एनर्जी एक मॉलिक्यूल की 3/2 kT और डायटॉमिक गैस की एक मॉलिक्यूल की, अंडरलाइन वन मॉलिक्यूल करना है, 5/2 kT। पर अगर मोल आ जाएं, पर मोल ऑफ गैस की एनर्जी मोनोटॉमिक की तो 3/2 RT, k की जगह r, ऐसे इसके अंदर भी 5/2 RT। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? ट्राइटॉमिक की जरूरत नहीं है इसमें। मिक्सचर के लिए मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला CV CP, मिक्सचर का गामा निकालना सिखाया था, क्वेश्चन नंबर वन। टोटल केमिस्ट्री बेस्ड है क्वेश्चन, PV = nRT पे ज्यादातर क्वेश्चंस बेस्ड हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मेरे को थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन सी है, आप केमिस्ट्री ज्यादा जानते हैं, आप देखें एक बार तेरा इसमें कैसे होगा। तो ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं। देखो मेरे हिसाब से ऐसे बनते हैं, हमने क्वेश्चन पहले किया था, हमने क्वेश्चन ऐसे किया था, अ गैस इज इनक्लोज इन अ वेसल एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट अ प्रेशर ऑफ P1। तो P1 की वैल्यू मुझे गिवन है 2.5 एटमोसफेयर, ठीक है, एंड वॉल्यूम कितना है इसका? 4 लीटर है। ये तो चेंज होने से रहा, 4 लीटर तो जैसे का है वैसे का वैसे ही रहेगा। अब प्रेशर P2 कितना हो गया? 2 एटमोसफेयर। बाय व्हाट परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ गैस एस्केप्ड आउट? देखो उसने कहा कितने परसेंट वॉल्यूम कम हो गया, तो मैंने ऐसा सोचा कि ये V2 - V1/V1 पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है ना, वॉल्यूम का ऐसे ही निकलेगा। अब प्रॉब्लम है ये है कि वॉल्यूम में ये क्वेश्चन आ नहीं सकता, आप करके देख लो, आप PV = nRT लगा भी लोगे ना, वॉल्यूम निकाल नहीं पाओगे, आपको नंबर ऑफ मोल तो पता ही नहीं क्या है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, नंबर ऑफ मोल पता ही नहीं तो वॉल्यूम कहाँ से आएगा। ठीक है, चलो फिर भी करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं PV = nRT लगा भी लूँ और मैं वॉल्यूम को निकाल लूं nRT / P, तो मैं यहां पे पुट करूंगा V2 में, क्या पुट करूंगा? n को n रहने देते हैं, चलो छोड़ो, r टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, divided by P2, ऐसी nRT / P1 / nRT / P1 × 100। एक बार चेक करना, nR कैंसिल, चेक करना क्या इससे आंसर परसेंटेज में आ रहा है, चेक करना प्लीज। ये करेंगे ना, PV = nRT से वॉल्यूम तो ऐसे निकलेगा, और कोई तरीका ही नहीं वॉल्यूम निकालने का, प्रेशर निकालने का और कोई तरीका ही नहीं है, वॉल्यूम निकालने का तरीका नहीं। अब एक स्टूडेंट आया, वो कहता सर एक बात बताओ, 4 लीटर का कंटेनर है, कंप्रेस अब कर नहीं रहे, तो वॉल्यूम चेंज कैसे हो रहा है तो बता दो, पॉइंट है वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है, 4 लीटर का वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो सॉल्व क्या कर रहे हो बैठ के? अब मैंने कहा पॉइंट तो वैलिड है यार, गैस निकल गई, गैस का मास तो कम हो सकता है, गैस के नंबर ऑफ मोल्स भी लीक हो सकते हैं, वॉल्यूम कैसे कम करूंगा, फैली तो उतने वॉल्यूम में हुई है, तो क्वेश्चन ना कहीं मुझे सही नहीं लगा। चलो फिर मैंने ऐसे किया कि हमने जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन किया था, नंबर ऑफ मोल लीक बता दो, नंबर ऑफ मोल तो लीक हो जाएंगे कंटेनर में से, चलो नंबर ऑफ मोल से मैं ये निकालना चाहता हूँ, नंबर ऑफ मोल पहले n1 थे फिर कम हो गए अपॉन n1 थे × 100। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स में n1 तो ठीक है, PV = nRT में P1 × V तो सेम रखेंगे, n1 RT, तो n1 की वैल्यू क्या आएगी? P1V / RT, तो पुट कर लेते हैं यहाँ पे P1V / RT - P2V / RT / P1V / RT × 100। एक बार चेक करना, V RT V RT V RT कैंसिल, तो मेरे पास बचा P1 - P2 / P1 × 100। चेक करना कितना आंसर आ रहा है,
2.5 से प्रेशर तो 2 हो गया, तो न्यूमिनेटर तो पॉइंट कितना हो गया, न्यूमिनेटर पॉइंट 5 हो गया अपॉन P1 की इनटू 100, कितने परसेंट आ रहा है? या ऐसा हो सकता है, एक और तरीका हो सकता है कि कितना परसेंटेज ऑफ मास चला गया, ये हो सकता है। हाँ, मास हो सकता है, कितना परसेंटेज ऑफ मास चला गया वो मैंने इसमें किया हुआ है। तो मैंने PV = nRT में नंबर ऑफ मोल्स क्या है, मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो PV ये PV m m कांस्टेंट, RT तो कांस्टेंट ही है, तो फर्स्ट और सेकंड सिचुएशन में RT कांस्टेंट है, तो इक्वेट करके प्रेशर की रेशियो इन टर्म्स ऑफ मास आ गई, तो मैंने मास की रेशियो निकाल ली, प्रेशर की रेशियो तो है ही, वहां से मास की रेशियो आ गई। हाँ, फिर मैंने ये कर लिया m1 माइनस m2 बाय m1, तो भी 20% ही आंसर आ रहा है। अब मोल्स में कर लो तो भी लीकेज करोगे तो भी ठीक है, गैस इतना मास लीक कर गई तब भी 20% आ रहा है, जिससे मर्जी कर लो। तो कम से कम वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है, वॉल्यूम के साथ आंसर नहीं आ रहा, मास के साथ आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स के साथ भी आ रहा है, पर वॉल्यूम के साथ नहीं, क्योंकि दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन में मैंने अज्यूम किया कि वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही है, तभी आंसर आ पा रहा है। समझ में आया यहाँ तक? तो मास के साथ भी कर दिया, नंबर ऑफ मोल के साथ भी कर दिया, अब क्वेश्चन पूछने वाला तो ठीक ही पूछेगा, वॉल्यूम तो पूछेगा नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, इस चैप्टर की खास बात, मैंने कहा था मास में उलझ जाओगे, तो मॉलिक्यूल का मास छोटा एम, मॉलिक्यूलर मास बड़ा एम, और गैस का मास एम ए एस एस, तो स्टार्ट करते हैं। इफ मास ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर हाफ्ड, मॉलिक्यूल का मास है तो m m by 2 हो गया, मॉलिक्यूल का मास m by 2 हो गया, एंड देयर स्पीड्स डबल, स्पीड डबल हो गई, v डबल हो गया, तो रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर क्या है? प्रेशर का फॉर्मूला एवरेज का हमने किया था 1/3 रो v स्क्वायर। डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, मास m into n, याद है m का मतलब एक मॉलिक्यूल का मास और n का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, काफी बार ये टर्म यूज हुई थी। तो जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल m है और वेलोसिटी v है तो प्रेशर p है, अगर मॉलिक्यूल हाफ कर दिया और वेलोसिटी डबल कर दी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो प्रेशर p डैश हो गया, p डैश और p का रिलेशन निकाल लेना, डिवाइड करके आंसर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या करना है इसमें, किसको हाफ और किसको डबल करना है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? तो मेन है ये फॉर्मूला कैसे लगा, ये फॉर्मूला कैसे लगा, इस फॉर्मूले में ये कैसे आया, फिर मास ऑफ मॉलिक्यूल को आधा किया, वेलोसिटी को डबल किया, आंसर। गूगल ड्राइव पे मैंने डाल दी है सारी शीटें, वैसे आपको आप चेक भी कर सकते हो, गूगल ड्राइव पे सब कुछ डाल दिया मैंने इसमें, ठीक है, अगर जाके चेक करना हो तो एटलीस्ट चेक कर सकते हो कि क्वेश्चन कैसे किया, जब वापस प्रैक्टिस करोगे तो एक बार आपके रेफरेंस के लिए रहेगा उसमें, ठीक है यहाँ तक? जैसे ये क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ टू गैसेज एम1 एंड एम2 है, रेशियो ऑफ आरएमएस स्पीड क्या है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो RMS का तो फॉर्मूला क्लियर ही है, RMS स्पीड जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास है, तो रेशियो निकाल लेना आंसर। जैसे ये क्वेश्चन है, किया भी हुआ है वैसे, एक बार फिर से देखो,
तो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है आरएमएस वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इन अ सैंपल ऑफ हीलियम इज 5.7 दैट ऑफ मॉलिक्यूल इन सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो हीलियम की जो आरएमएस स्पीड है 5.7 है हाइड्रोजन की आरएमएस स्पीड से। हाइड्रोजन का टेम्परेचर पता है 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट करना, हीलियम का निकालना है, तो निकाल लेना आंसर। हीलियम का मॉलिक्यूलर मास 4 है, हाइड्रोजन का 2 है, आंसर फॉर्मूला इस क्वेश्चन है, फॉर्मूला इक्वेट की आंसर आएगा। नेक्स्ट इसे करो। इक्वल मासेज ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, किसका मास है? मॉलिक्यूल का मास है तो ये छोटा एम नहीं है, मॉलिक्यूलर मास है नहीं कैपिटल एम भी नहीं है, गैस का मास है तो एम एस एस मास है, मास ऑफ गैस है ये, मास ऑफ गैस गिवन है इक्वल है, और वॉल्यूम ऑफ बी इज डबल दैट ऑफ ए, तो बी का वॉल्यूम ए से डबल है, प्रेशर रेशियो निकालो, प्रेशर का तो फॉर्मूला ही एक है, ये रहा फॉर्मूला, वी फॉर वेलोसिटी, रो फॉर डेंसिटी, डेंसिटी क्या है? मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस, तो आपको एक वॉल, और हाँ क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूलर मास भी डिफरेंट है दोनों गैसेस का, तो आपको वी फॉर आरएमएस, वी इसमें आरएमएस होती है, आरएमएस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो यहाँ से प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वॉल्यूम, क्योंकि दो ही चीज़ें चेंज हो रही हैं, एक तो मॉलिक्यूलर मास दोनों गैस का डिफरेंट है और वॉल्यूम भी डिफरेंट है, तो एक बार नाइट्रोजन के लिए और एक बार ऑक्सीजन के लिए, वॉल्यूम डबल है ऑक्सीजन का और मास मॉलिक्यूलर मास आपको पता है, आंसर ध्यान रखना पड़ेगा कि किस में कौन सा मास है। पी वी इक्वल टू एन आर टी से आंसर आ रहा है, तो फिर प्रेशर, ये बोला प्रेशर नहीं ना, दीवार पे जो प्रेशर लगा, क्या कैसे लगाया बता, पी वी इक्वल टू एन आर टी कैसे लगाया? एक मिनट, पी वी इक्वल टू एन आर टी में एन को पुट किया मास अपॉन कैपिटल एम, ठीक है, क्वेश्चन तो शायद से यही बन रही है, हाँ आ जाएगा उससे पी वी इक्वल टू एन आर टी से भी आ जाएगा, ठीक कह रहा है, गलत तो नहीं कह रहा कि पी वी इक्वल एन आर टी से आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स को लिखेंगे मास अपॉन कैपिटल एम पी वी, हाँ आ जाएगा यार, इसमें बनेगी बात, बन सकता है पी वी इक्वल टू एन आर टी से आंसर आ जाएगा, कोई शक नहीं इसमें, सही है, ये भी सही है, बहुत बढ़िया, तू भी पहले नहीं मिला मेरे को यार, ठीक है, तो गैस का ये प्रेशर तो आप ऐड कर ही लेंगे, ये सिंपल क्वेश्चन है। मिक्सचर का सीवी कैसे निकलता है ये भी मैंने आपको करवा रखा है, चलो फिर भी देख लो, 2 moles ऑफ मोनोटॉमिक गैस इज मिक्स विद 3 moles ऑफ डायटॉमिक गैस, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर, सीवी निकालो मिक्सचर का, तो नंबर ऑफ मोल्स पता है, सीवी मोनोटॉमिक गैस का याद करना है 3/2R, डायटॉमिक का याद करना है 5/2R, डायटॉमिक गैस का ये नंबर ऑफ मोल्स भी पता है, आंसर ठीक है यहाँ तक,
ठीक, चलो ये केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस हैं, देखो इसमें कुछ करना नहीं है, इसको देख लो प्लीज एक बार, आ रहा हूँ आपके पॉइंट पे, रुको। ठीक देखो इधर, तो इसमें टू रिजिड बॉक्सेस डिफरेंट आइडल गैसेस आर प्लेस्ड ऑन द टेबल, तो टेबल के ऊपर गैसेस को रख दिया। बॉक्स ए कंटेन्स 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एट टी नॉट, वाइल बी कंटेन्स 1 मोल ऑफ हीलियम एट 7/3 टी नॉट। बॉक्सेस आर देन प्लेस्ड इन थर्मल कॉन्टैक्ट एंड हीट फ्लोज अंटिल टेम्परेचर रीचेज द कॉमन वैल्यू टी एफ, हीट कैपेसिटी ऑफ बॉक्स 0 है, टी एफ इन टर्म्स ऑफ टी नॉट निकालो। मतलब दो गैसेस हैं, एक गैस का टेम्परेचर कितना है, टी नॉट है, नाइट्रोजन का टी नॉट है और हीलियम का 7/3 टी नॉट है, एक गर्म एक ठंडी है, मिक्स कर दिया तो दे विल अटेन अ कॉमन टेम्परेचर टी एफ, तो एक हीट गेन करेगी और एक हीट लूज करेगी। तो जब हीट गेन और लूज करेगी वो कौन सी हीट होगी, उनकी इंटरनल एनर्जीज मिक्स होंगी, और अब बाहर से तो कोई हीट आ नहीं रही, उनकी अपनी हीट है या अपनी एनर्जीज हैं, और वो एनर्जीज का नाम क्या है, इंटरनल एनर्जी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि हीट गेन, जो नाइट्रोजन ने हीट गेन की वो हीलियम ने हीट लॉस की, जो गेन हुआ वो लॉस हुआ, है ना, एक ही चीज़ है। तो हीलियम ने क्या लॉस किया, N2 नंबर ऑफ मोल्स हैं, और CV यूज़ करेंगे, CP यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि गेम इंटरनल एनर्जी की है। इंटरनल एनर्जी एक गैस की दूसरी एनर्जी गैस में जाएगी, तो इसके अंदर गैसेस जो मिक्स होती हैं CP पे कभी काम नहीं होता, मिक्सचर में CV पे ही काम होता है। यहाँ कौन सा पिस्टन लगा है जो ऊपर नीचे हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, यहाँ तो गैस की अपनी एनर्जी दूसरी गैस के एनर्जी के अंदर चली गई, तो CV लगेगा, CV, CP नहीं लगेगा। और Ti-Tf ऐसी, ये गैस जो है नाइट्रोजन डायटोमिक है, तो CV×Tf-Ti। अब यहाँ पे डायटोमिक में CV याद करना है, CV याद करना है, फाइनल टेम्परेचर निकालना है, इनिशियल इसका पता है, फाइनल निकालना है, इनिशियल इसका पता है, सॉल्व करके आंसर आएगा। बात याद आई, डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 ही लेना है, नहीं तो फिर आंसर नहीं आएगा आपका, CP CV भी चेंज कर दोगे आप। ठीक है, अब मैं आपको, हाँ ये क्वेश्चन चलो ऑप्शनल है, ये रहने दो, अभी मैं आपको ना मेन क्वेश्चन दिखाता हूँ इसमें, ये लो KTG पे कैसे क्वेश्चन आते हैं एक बार उसको देखते हैं। KTG में ना 3 किस्म के क्वेश्चन आते हैं, पहला डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, दूसरा RMS वेलोसिटी पे, और तीसरी केमिस्ट्री बेस्ड PV=nRT। जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम का तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन आया है, CP/CV यानी कि गामा और एफ का क्या रिलेशन है, बी किया था γ=1+2/F, इससे आसान क्वेश्चन कहाँ से लाओगे बताओ, फॉर्मूला ही पूछ लिया, सही है। जैसे नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, निकालना क्या है, तो क्या निकालना हुआ, 1/γ, क्योंकि वो पूछ रहा है कि रेशियो निकालो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि CV/CP, जबकि CP/CV क्या होता है, गामा। अब से उल्टा पूछ रहा है, यानी कि क्या पूछ रहा है, 1/γ, बोलो क्या होगा, कंफ्यूज कर रहे हैं। अब गामा का रिजल्ट तो सबको पता है, 1+2/F, और डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर क्या है, एन एन, लेकिन हमें तो 1/γ निकालना है, तो गामा की वैल्यू क्या है, N+2/N, तो यहाँ से 1/γ निकाल लेना, आंसर आ जाएगा रेसिप्रोकल, N/N+2, उल्टा है इसका, समझ में आया यहाँ तक। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन है, ये वाला,
तो थर्मली इंसुलेटेड वेसल कंटेन्स एन आइडल गैस ऑफ मॉलिक्यूलर मास m एंड रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इज 1.4, तो गामा आपको इसमें गिवन है. वेसल इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ v एंड सडनली ब्रॉट टू रेस्ट. v के साथ स्पीड गैस मूव कर रही है, रुक गई. अब एनर्जी गई कहाँ? हाफ एम वी स्क्वायर. वो खत्म नहीं हुई, वो उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने में लग गई. तो आपको ये बताना है कि टेम्परेचर इंक्रीज कितना हुआ. तो सबसे पहले ये बताओ कि इसमें मान लो n मोल्स हैं और मॉलिक्यूलर मास गैस का m है, तो कितना मास है? m इतना मास है, तो हाफ इंटू मास इंटू वी स्क्वायर. क्या काइनेटिक एनर्जी है? ये कन्वर्ट हो गई किसमें? जब उसको स्टॉप किया गया इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी. उसमें मतलब पिस्टन को प्रेस किया, वर्क डन किया, तो सारी टेम्परेचर इंक्रीज करने में लग गई. और जब हम ये बोलते हैं टेम्परेचर इंक्रीज, तो समथिंग रिलेटेड विद सी वी ओनली, डी यू. डी यू मीन सी वी, तो एन सी वी डी टी. तो सी वी की वैल्यू मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आर बाई गामा माइनस वन था, सॉल्व करके डेल्टा टी निकाल लेना आंसर. तो लॉजिक समझ में आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी को कैसे एम सी डेल्टा टी में यूज किया, लेकिन सी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का ही यूज करेंगे. जब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वहां डी यू का काम होगा. और डी यू का मतलब एन सी वी डी टी. सी वी डी टी हमने किया था सी पी माइनस सी वी आर प्रूव करना, और मैंने कहा था जब टेम्परेचर की बात होगी, इंटरनल एनर्जी की बात होगी, तो सी वी ही यूज करना, सी पी नहीं यूज करना. जैसे ये देखो, वन मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस इज मिक्स विद थ्री मोल ऑफ डायटॉमिक गैस. एन वन एन टू पता है, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर पता है, सी की वैल्यू मिक्सचर की पता है, तो एल्फा निकाल दो. तो ये तो आसान है, मिक्सचर का तो पता ही है फॉर्मूला. नंबर ऑफ मोल्स एक गैस के कितने हैं? वन है, और दूसरे के कितने हैं? थ्री है. सी वी की वैल्यू फर्स्ट मोनोटॉमिक की पता है, डायटॉमिक की पता है, सॉल्व करके मिक्सचर का सी आ गया. लेकिन हमें मिक्सचर का सी ये गिवन है, कंपेयर करके एल्फा आ गया. मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा, कहीं सोचो कि तेज चल रहा है. आप क्वेश्चन तो आपको आपकी किताब की वो फोटो दे दी मैंने आपको, वो परचेज करनी है आपने, परचेज करके शुरू कर देना है, आपको क्वेश्चन मिलेंगे उसमें. मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि, क्योंकि इतनी जल्दी थोड़ा कैच कर लोगे मेंस और इसके क्वेश्चंस, तो आपको आइडिया दे रहा हूँ कि देखो क्वेश्चन मुश्किल नहीं आ रहे, बेसिक क्वेश्चन के ऊपर काम चल रहा है. अब बेसिक देखो कैसे आ रहे हैं, और ये सारे बेसिक्स हमने किए हुए हैं, राइट. क्वेश्चन तो आप ही को ट्राई करने हैं, वो थोड़ा ना मैं करवा सकता हूँ. तो ये आपको ट्राई करना है, और वैसे भी जब तक टेस्ट नहीं होंगे ना, आप इसको कैच नहीं कर पाएंगे. पहले शॉर्ट टेस्ट होते हैं, वो फॉर्मूला याद करवाने की हेल्प करते हैं. शॉर्ट टेस्ट से एक सबसे बड़ा फायदा होता है, आपको सारा कुछ याद होता है, चीज़ों को सीक्वेंस में याद होता है. फिर आपका जो संडे का टेस्ट है, वो हेल्प करता है बड़ा टेस्ट रिवाइज करने में चीज़ों को. फिर जब आपको सब चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं, फिर आप मेंस और नीट के क्वेश्चन करते हैं, और आपकी और प्रैक्टिस होती है. फिर आप जब ये करते हैं, आपको पता लगता है कि तो आता है यार. स्टेजेस हैं इसकी, आप फाइनल स्टेज में देख रहे हो. फाइनल स्टेज में आप एक्सपेक्ट ना करना करें कि एक मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब स्टेजेस वापस आने वाली हैं मंडे के बाद. अगले हफ्ते का टेस्ट प्लान आ जाएगा. सरफेस टेंशन के बाद कोई टेस्ट नहीं हुआ, अब वो छोटे 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 जो चैप्टर्स किए हमने, पहले उसके शॉर्ट शॉर्ट टेस्ट होने हैं, फिर उसके एक एक घंटे का टेस्ट होना है. इस तरीके से सीक्वेंस चलेगा फिर से, ठीक है. और जनवरी के अंदर टेस्ट सीरीज चलेगी, मैंने बताई दी आपको, नीट और मेन्स के टेस्ट सीरीज चलाएंगे ताकि खूब प्रैक्टिस हो जाए आपकी, ठीक है. और अभी बेसिक्स पे ही काम करना चाहिए, अभी और कोई तरीका नहीं है इसमें. ये कर लो, आरएमएस स्पीड के ऊपर है, आरएमएस स्पीड. वेसल कंटेन्स 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस. अमाउंट ऑफ हीट टू बी ट्रांसफर्ड टू द गैस टू डबल द आर एम एस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल.
जब ऐसी भाषा यूज करें ना, डबल दी आर एम एस स्पीड, तो मतलब टेम्परेचर 4 गुना ज़्यादा हो रहा है, तो रटी स्टेटमेंट है मेरी। वो सीधा नहीं बोलता मैंने टेम्परेचर 4 गुना ज़्यादा कर दिया, पूरा आर एम एस स्पीड डबल कर दी। आर एम एस स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर, आर एम एस डबल होगी टेम्परेचर 4 टाइम्स होगा। तो कह रहा है कि इस केस में इतनी नाइट्रोजन है और अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर बताना है इसमें क्या होगी। देखो इस केस में हीट ट्रांसफर क्या होगी है ना, ये कैलकुलेट करना है। इसके अंदर सबसे पहले आर, ये तो मैंने बताई दिया टेम्परेचर 4 गुना ज़्यादा होगा, तो पहली लाइन का कोई मतलब नहीं है। आपको इसमें इनिशियल टेम्परेचर कितना गिवन है 300 पता है, 27 डिग्री का मतलब 300 केल्विन पता है। फाइनल टेम्परेचर कितना हो रहा है 4 × 300 1200 आएगा, तो 1200 फाइनल टेम्परेचर है। तो अब आपको डेल्टा डी भी पता है, यहाँ से नंबर ऑफ मोल तो आप नाइट्रोजन के निकाल ही लोगे क्योंकि मास ऑफ गैस आपको पता है। आपको हीट देनी है, हीट क्या करेगी, हीट ने टेम्परेचर इंक्रीज किया, कोई पिस्टन थोड़ा मूव किया ऊपर की तरफ, तो फिर से क्या यूज करेंगे सीवी, एन सीवी डीटी। तो नंबर ऑफ मोल्स पता है, सीवी पता है, डीटी पता है आंसर। और सीवी कैसे, नाइट्रोजन 5R/2 याद करना पड़ेगा, कौन मोनोटॉमिक कौन डायटॉमिक, तो जो भी मोनोटॉमिक डायटॉमिक उसका सीपी सीवी याद करके जाना है सीधा, वो एक्सपेक्ट करता है कि आप याद करके आएंगे नाइट्रोजन ऑक्सीजन हीलियम का, तो पता कर लेगा ना मोनोटॉमिक कौन है डायटॉमिक कहाँ से। वैसे तो आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस से आएंगे ये, एकदम नहीं आएंगे। जैसे ये रहा रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ स्मोक पार्टिकल जिसका मास गिवन है, क्या होगा रूट मीन स्क्वायर स्मोक पार्टिकल की निकालो। आपको स्मोक पार्टिकल ये तो नहीं करवाई, तो गैस की करवाई है, स्मोक पार्टिकल गैस का पार्टिकल, एक मॉलिक्यूल का मास दे रहा है, मॉलिक्यूल का मास दे रहा है, तो आर एम एस स्पीड का फॉर्मूला मॉलिक्यूल का 3 kT/m, मोल का नहीं मॉलिक्यूल का 3 kT/m, तो m इज मास ऑफ मॉलिक्यूल, पुट करके आंसर। तो इन क्वेश्चंस को आपने ट्राई करना है।